हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। वीडियो का टॉपिक है डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर, जो कि डेटा माइनिंग एंड वेयर हाउसिंग इस सब्जेक्ट को रिलेट करता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये डेटा वेयर हाउस का डिटेल्ड आर्किटेक्चर क्या है विद माय इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन एवर। और यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं विद द डेटा सोर्सेज। ऑब्वियसली अगर आपको डेटा वेयर हाउस जिसमें डेटा आता है, जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है, तो उसके लिए हमें पहले तो रॉ डेटा की जरूरत पड़ेगी। तो कहाँ से आएगा? डेटा सोर्सेज आएगा। कई सारे डेटा सोर्सेज होते हैं जिनको दो मेजर कैटेगरीज में हम लोगों ने यहाँ पे रख दिए। एक तो एक्सटर्नल डेटा और एक ऑपरेशनल डेटा है, जिसे हम मेन फ्रेम डेटा भी कह सकते हैं, जो कि रिलेशनल डेटाबेस, ओरेकल से, कहीं से, ऑर्गेनाइजेशन से आपको ऑपरेशनल डेटा आता है। एंड कई सारी एक्सटर्नल लिंक्स होती है, जो कमर्शियल लिंक्स होती है, वहां से आपका एक्सटर्नल डेटा भी इंपोर्ट किया जाता है। तो अभी चलो यहाँ तक हम डेटा तक पहुंच गए, हमारे पास डेटा सोर्सेज आ चुके हैं। अभी इस डेटा सोर्स का क्या किया जाए? तो यहाँ पे आता है हमारा पहला मैनेजर, जो कि लोड मैनेजर है। तो लोड मैनेजर क्या करता है? जितनी भी एक्टिविटीज हैं ऑफ लोडिंग द डेटा, ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा, ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द डेटा फ्रॉम द सोर्सेज, तो जिसे हम ETL भी कह सकते हैं। ई मतलब एक्सट्रैक्टिंग द डेटा फ्रॉम द डेटा सोर्सेज, और टी मतलब ट्रांसफॉर्मिंग। कुछ छोटी बहुत छोटी मोटी ट्रांसफॉर्मेशंस आपका लोड मैनेजर इस डेटा के ऊपर परफॉर्म करता है, ताकि उसकी कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी बनी रहे, इसीलिए वो ट्रांसफॉर्मेशन कैरी आउट की जाती है। एंड लोडिंग, जो भी आपका ट्रांसफॉर्म डेटा उसे लोड किया जाता है इनटू डेटा वेयर हाउस। बट यहाँ पे जो डेटा होता है वो भी कई सारे टाइप्स का होता है। आप कह सकते हो वो डिटेल टाइप का होता है, समराइज टाइप का होता है, वहां पे एक मेटा डेटा भी होता है। सो पहले तो देखते हैं डिटेल टाइप। डिटेल टाइप आपकी जो होती है वो बेस टाइप आप कह सकते हो, क्योंकि इससे ज्यादा डिटेल्ड वर्जन ऑफ एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा आपको पूरे डेटा वेयर हाउस में कहीं नहीं मिलेगा। तो ये आपका बेस डेटा होता है, आप कह सकते हो इसमें से आप डेटा को यूज करते हो, बिकॉज दिस इज द बेस वर्जन। अभी इसमें से जो आप डेटा निकालते हो उसको आप समराइज कर सकते हो, उसे आप एग्रीगेट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका डिटेल्ड वर्जन ऑफ डेटा, और ये हो गया आपका समराइज्ड वर्जन ऑफ डेटा। तो ये दो वर्जन होते हैं आपके डेटा के जो अवेलेबल है। क्यों हम लोगों को समराइज डेटा का समराइज डेटा की जरूरत क्यों पड़ी, समराइज्ड इंफॉर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज इट इज लाइक सर्विंग लाइक अ कैचे। कैचे मतलब क्या? आपकी जो भी यूजर की तरफ से क्वेरीज आती हैं, जितनी भी क्वेरीज आती हैं यूजर की तरफ से, वो ये जो आपका समराइज्ड इंफॉर्मेशन है वो हेल्प करता है कि उन क्वेरीज को फास्टली जो भी डेटा लग रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन लग रही है, वो प्रोवाइड की जाए और वो प्रोसेसिंग स्पीड आपकी बढ़े, इसीलिए हम लोग समराइज डेटा को यूज करते हैं। इस समराइज डेटा को कौन जनरेट करता है? ऑब्वियसली इट इज अ वेयर हाउस मैनेजर। अब ये जो आपका वेयर हाउस मैनेजर है, ये और क्या करता है? समराइज डेटा तो चलो वो एक तरीके से प्रोड्यूस करता है, जनरेट कर ही लेता है, लेकिन वेयर हाउस मैनेजर और क्या करता है? आपकी डेटा वेयर हाउस से जुड़ी हुई जितनी भी प्रोसेसेस हैं उनको मॉनिटर करना, कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना, ये सारी की सारी जो बातें ये वेयर हाउस मैनेजर करता है। ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है, बिकॉज इसे सब कुछ पूरा वेयर हाउस का क्या करना पड़ता है? मैनेज करना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट इज अ वेयर हाउस मैनेजर। प्लस उसके साथ लिंक्ड होता है एक आर्चिव या बैकअप, मतलब यहाँ पे एक ऐसा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन का भंडार होता है, जो कि हम लोग आर्चिव या फिर बैकअप के लिए यूज करते हैं, कि अगर इमरजेंसी केस में अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो हम लोग यहाँ से डेटा को यूज कर सके। अभी आते हैं यहाँ पे जो कि मेटा डेटा था। मेटा डेटा मतलब क्या? यहाँ तो ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन हम सबको पता है कि डेटा अबाउट डेटा, मतलब ये ऐसा इंफॉर्मेशन है जो कि आपको डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन इसके अलावा भी इसके कई सारे यूज है। यहाँ पे जब क्वेरी मैनेजर जो आपका होता है, क्वेरी मैनेजर जो कि क्वेरीज एक्सेप्ट करता है आपके यूजर से, तो वो जो क्वेरी आई है उसको ये मेटा डेटा डायरेक्ट करता है टू द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेटा सोर्स। मतलब ये क्वेरी अगर किसी एक पर्टिकुलर डेटा सोर्स को टारगेट कर रही है, तो ये जो आपका मेटा डेटा है ये हेल्प करता है आपके क्वेरी मैनेजर को कि वो जो क्वेरी है वो बराबर उस डेटा सोर्स तक पहुंचे, और जिससे कि आपका जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो बढ़ता है। सो मेटा डेटा के भी और भी कई सारे यूजेस हैं। वो आपके लोड मैनेजर के साथ भी काम करता है, ताकि वो लोडिंग ईजी कर सके। सो मेटा डेटा इन अ वे बहुत सारे यूजेस करता है, और उसका डेफिनेशन सिर्फ डेटा अबाउट डेटा तक लिमिटेड नहीं है। अभी देखते हैं क्वेरी मैनेजर। क्वेरी मैनेजर मतलब के नाम ही आपको बता रहा है, क्वेरी ये आपकी क्वेरी टूल्स यूज करता है, क्वेरीज को एक्सेप्ट करता है। और वेरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, यहां तो मैंने एक यूजर बताया, लेकिन ऐसे कई सारे यूजर एट अ टाइम रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर अ सर्टन डेटा। तो वहां होता गया फॉर सर्टन इंफॉर्मेशन, तो आपका क्वेरी मैनेजर के पास शेड्यूलिंग टेक्निक्स होनी चाहिए, प्रायोरिटी टेक्निक्स होनी चाहिए, कि इन सब रिक्वेस्ट में से किस एक रिक्वेस्ट को प्रायोरिटी दी जाए, किस एक रिक्वेस्ट को शेड्यूल किया जाए, उस एक रिक्वेस्ट को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे,
डेटा वेयर हाउस में भेजेंगे, उस रिक्वेस्ट को हम लोग डायरेक्ट करेंगे उसके डेटा सोर्स तक, उस डेटा को रिट्राइव करेंगे, उसका रिस्पांस तैयार करेंगे और फिर यूजर को देंगे। ये सारी जो चीजें ये क्वेरी मैनेजर हैंडल करता है। तो ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है क्योंकि ये इतने सारे कॉम्प्लेक्स टास्क को हैंडल करता है। सो दोस्तों अभी हमने देखा वेयरहाउस मैनेजर, क्वेरी मैनेजर, लोड मैनेजर, ये तीन मैनेजर। टाइप ऑफ डेटा एक डिटेल्ड हो सकता है जो कि आपका बेस है इंफॉर्मेशन का, एक समराइज्ड हो सकता है जो कि आपकी प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने में काम आता है, एक मेटा डेटा जो कि दोनों मैनेजर्स को अपने आप में हेल्प आउट करता है, एक आर्चीव या बैकअप मतलब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो कि आपकी आर्चीविंग के लिए या बैकअप प्रोसेस के लिए यूज की जाती है, एंड ये आपके डेटा सोर्सेज, और ऑन द अदर एंड देयर इज अ यूजर रिक्वेस्टिंग फॉर सम इंफॉर्मेशन। तो हो क्या रहा है, रॉ डेटा इज गेटिंग कन्वर्टेड टू इंफॉर्मेशन, raw data is getting converted to information so that the decisions can be made. तो इस information से आप decision को बना सकते हो, decision को support कर सकते हो with this given information. यही आपका motive होता है किसी एक data warehouse का कि वो किसी decision को support कर सके with the retrieved information. So दोस्तों मुझे लगता है आपको ये बड़ी ही pretty easy तरीके से मैंने आपको बताया क्या क्या एक एक component होते हैं data warehouse के architecture में, उनके क्या क्या functions है, वो किस तरीके से एक दूसरे से related है, कैसा वो flow जा रहा है, वो मैंने पूरा explain किया। अगर ये video दोस्तों आपको informative लगा होगा, अच्छा लगा होगा, काम का लगा होगा, तो प्लीज दोस्तों वो तीन मैजिक चीजें आज कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो और मेरे चैनल 5 मिनट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।